हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोई पहली बार आईब्रो थ्रेडिंग करवाता है तो किस तरह से शेप बनानी चाहिए और किस तरह से थ्रेड पकड़ना चाहिए। सबसे पहले कॉर्नर वाले लॉन्ग हेयर्स को कट करना होता है। इस तरीके से दोनों साइड के हेयर को इस तरीके से कट कर लीजिए। उसके बाद हम थ्रेड के कॉर्नर को इस तरीके से माउथ में होल्ड करेंगे और दूसरे हाथ से हम इस तरीके से थ्रेड के हम 4-5 राउंड बना लेंगे। ऐसे हम इस तरीके से सीजर तैयार कर लेंगे जिससे हेयर रिमूव हो जाते हैं। सबसे पहले हम ऊपर की साइड के हेयर को इस तरीके से निकालेंगे। एक्स्ट्रा हेयर हमने निकालने नहीं है, इससे कट लग जाता है। हम इस तरीके से हम लाइन बना लेंगे और परफेक्ट शेप देने के लिए इस तरीके से हम थ्रेड को चलाएंगे। जब हम नीचे की तरफ से हेयर को निकालेंगे तो हम दोनों साइड से हाथों से आईज को स्टिच करेंगे और जिससे जो स्किन है वो टाइट हो जाती है। इससे स्किन पे कट नहीं लगता और हेयर बड़ी आसानी से रिमूव हो जाते हैं। अगर आप शुरू शुरू में थ्रेडिंग बना रहे हैं, यानी कि आप बिगनर हैं, आपको थ्रेडिंग बनाना नहीं आता, तो आप थोड़े थोड़े बाल करके ही निकालिए, 2-3 इतने ही निकालिए। अगर आप कंप्लीट निकालने लगेंगे तो आपकी शेप खराब हो सकती है, इसलिए आप धीरे धीरे ही बनाना सीखिए। सबसे पहले आप कस्टमर से पूछ लीजिए कि उनको किस तरह की शेप बनवानी है। किसी को पतली शेप पसंद होती है, किसी को मोटी शेप पसंद होती है, उसके हिसाब से ही हेयर को रिमूव कीजिए। बहुत सारे कस्टमर की आईज यहाँ से डीप होती है तो हेयर को निकालना बहुत ही टफ होता है। यहाँ से हेयर को रिमूव करने के लिए बस आप ऊपर की साइड ही स्टिच कीजिए, नीचे की साइड से छोड़ दीजिए। उससे यहाँ के सेंटर के जो हेयर हैं वो बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। एक साइड की आईब्रो बनाने के बाद हम सेकंड आईब्रोज को बनाना शुरू करेंगे। इस साइड हम डिफरेंट साइड में थ्रेड को चलाएंगे। फर्स्ट में हमने इस साइड चलाया था और सेकंड में हम इस साइड चलाएंगे, तभी हेयर रिमूव होंगे। सेकंड आईब्रो को बनाने से पहले हम सेंटर के हेयर को भी निकाल लेंगे। सेकंड आईब्रो बनाते टाइम आप फर्स्ट आईब्रो को बीच बीच में चेक कर लीजिए और शेप का ध्यान रखिए कि कहीं डिफरेंस ना आ जाए दोनों की शेप में, और फर्स्ट वाले की शेप देखते हुए ही सेकंड वाले की शेप को भी उसी तरीके से बना लीजिए।
इसी तरीके से दूसरी आईब्रोज को भी हम बना लेंगे। आप देख सकते हैं आईब्रो की शेप बिल्कुल ही इक्वली बनेगी। ये देखिए दोनों आईब्रोज बिल्कुल इक्वल दिख रही हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।